अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा मॉडर्न एसे जो है वो आज नंबर 12 है, बैचलर डायलेमा। वैसे ये जो मॉडर्न एसे है ये एग्ज़ाम जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है सब्जेक्टिव पेपर का, उसके लिहाज से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन के चांसेस होते हैं आने के, लेकिन आप भी क्योंकि इस दफ़ा जो है वो मल्टीपल चॉइसेस के ज़्यादा चांसेज हैं, उस लिहाज से इसका एक छोटा सा ओवरव्यू और उसके बाद इसके जो एमसीक्यूज है। बैचलर डायलेमा जो बेसिकली हर्बर्ट गोल्ड ने लिखा है, उसमें इसने राइटर ने एक ख़ास किस्म की सिचुएशन जो है वो एक बैचलर की यानी कवारे शख्स की वो बयान की है। उसने बताने की ये कोशिश किया कि एक शख्स जो है वो बैचलर होता है, अनमेरिड होता है, उसकी क्या सिचुएशन होती है सोसाइटी के अंदर। उसको एक स्टेटस, एक रहने का अच्छा मकाम वो नहीं प्रोवाइड किया जाता। क्यों? कि वो अनमेरिड है। मैरिड हाउस में जाएगा, किसी के घर में जाएगा या शादीशुदा लोगों में खुले मिलेगा, तो वहाँ पर कहीं जो है उससे जो है वो वेमेन यानी औरतें जो हैं वो मतलब उससे थोड़ा सा हेट करेंगी, नफरत करेंगी, परेशान होंगी, और कहीं जो है जो उनके हस्बैंड हैं वो उससे नफरत करेंगे और उसको अपना मतलब मुखालिफ समझेंगे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है उसके लिए एक बड़ी कन्फ्यूजन की और हर जगह प्रॉब्लम की रहती है। कहीं वो अच्छे तरीके से पार्टीज में नहीं जा सकता, अटेंड नहीं कर सकता, अच्छे तरीके से लोगों के साथ घुल मिल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने नहीं रख सकता। लोग उसको हमेशा जो है वो क्वेश्चन मार्क यानी उसको हमेशा कहने के एक सवाली अंदाज में देखते हैं। तो उसने बताया है कि जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पर भी बैचलर जो है काफ़ी ज़्यादा उलझन और परेशानी में रहता है। तो अगर वो कहीं ऐसी पार्टी में चला जाए यहाँ पर जो है वो फैमिलीज हों, तो वहाँ पर वो अगर यानी कि जो वुमेन है, औरतें हैं, वो उसको देखेंगी और थोड़ा सा वो रिफ्रेशिंग अंदाज में इंजॉयमेंट के साथ उसको देखेंगी, लेकिन उन्हीं औरतों के जो हस्बैंड हैं वो उसको देखेंगे तो वो राइवल समझेंगे, अपना मुखालिफ और दुश्मन समझेंगे, और उसको समझेंगे कि ये यहाँ हमारा घर ख़राब करने आया। मतलब इस तरीके बड़ी ओपनली उसने इसमें बात की है, थोड़ा सा ह्यूमरिक भी उसका अंदाज़ है, थोड़ा सा फ़नी भी है, लेकिन एक सीरियस सा टॉपिक है। तो आप देखिए ज़रा, बैचलर मोस्टली लोगों को पता नहीं होता कि बैचलर की मीनिंग क्या है। बैचलर की मीनिंग है अनमेरिड पर्सन जो प्यार शादी हुई। डायलीमा क्या है? डायलीमा एक उलझन है, कन्फ्यूजन है, परेशानी है, तो इसलिए कन्फ्यूजन में रहता है। बैचलर इज एवर इन, हमेशा रहता है इंजॉयमेंट में, गेम्स में, फन में, प्रॉब्लम्स परेशानियों में रहता है। मैरिड वोमेन सी बैचलर विद, शादीशुदा औरतें उसको इंटरेस्ट के साथ देखती हैं, उसको अपने बड़े मतलब कह लें कि इंटरेस्ट उनका वो डिवेल्प होता है। अनमेरिड जो है औरतें और लड़कियाँ वो ज़्यादातर उससे गुड समझती हैं, रियल बैड या स्ट्रॉन्ग, तो वो उससे बैड समझती हैं कि भाई वो जो है वो इस तरह अनमेरिड शख्स है तो मैं भी अनमेरिड हूँ तो वो मेरी तरफ क्यों इस तरह देगा। मैरिड जो मेन है, जो शादीशुदा मर्द होते हैं, वो बैचलर को क्या समझते हैं? अपना फ्रेंड समझते हैं, कंपेनियन, टीचर, या फिर राइवल, वो अपने उससे मुखालिफ और दुश्मन समझते हैं। बड़ा आसान सा टॉपिक है, इसको आप समझिए। अल्लाह हाफ़िज़।